एक ओर पूरी दुनिया महामारी की चपेट में है, तो वहीं पुट्ठा मिल में बड़ी संख्या में मजदूरों से काम कराया जा रहा था। सूचना मिलने पर तहसीलदार सरोज अग्निवंशी पहुंची और फैक्ट्री को सील कर लाइट कटौती कराई गई। आप पुट्ठे मूल पहुंचे, इस मील पर क्या कार्रवाई की गई है और क्या कारण थे यहाँ आप पहुँचे? अज्ञात लोगों से सूचना मिली थी कि यहाँ पे अंदर ताला बंद करके मजदूरी से काम कराया जा रहा है। उसकी सूचना पे हम लोग यहाँ आए तो कुछ लोग तो मिले, यहाँ पे टिफिन भी मिली, बहुत सारी मोटरसाइकिलें मिले और मजदूरों को इन लोगों ने तत्काल भगा दिया था। 8-10 मजदूर रजिस्टर में 25-30 मजदूरों की साइन है और उनके नाम पाए गए, तो लाइट कटवा दी गई है और मिल बंद करवा दी। इन पे कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, 188 मैं मानशु कोठारी हूँ, डायरेक्टर एमपी बोर्ड इन पेपर मिल का। सर, आप प्रशासन द्वारा आपके मील में अभी कार्रवाई की गई है, क्या कारण रहे और क्यों हुई कार्रवाई? अब किसी ने, कोई अज्ञात आदमी ने कंप्लेन करी है। अब क्या है कि बड़ा प्लांट है तो लोग चिढ़ते भी बहुत हैं, तो हमने कंप्लेन करी है। मैडम जब आई तब हमने सेफ्टी के हिसाब से 2-4 लोगों को बुलाया था, गार्ड तो रहते ही हैं, तो बड़ा प्लांट है, बंदर वगैरह भी काफ़ी हैं, सब स्टेशन पर कूद जाते हैं, तो वही उनको दिखे। और कुछ लोग क्योंकि बाहर के हैं, यूपी बिहार के जो लेबर हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्री के प्रमाइसेस में रहती हैं, तो वो लोग ही सब घूमते हुए उनको दिखे, तो मैडम को ऐसा अंदाज़ा लगा कि शायद यहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन हमारा कल से प्लांट बंद है, अगर कोई चाहे तो रीडिंग भी दिखवा सकता है। रोज़ हमारी 10,000 यूनिट जलती हैं प्लांट चलाने में, और अभी कल से देखेंगे तो हार्डली 200 यूनिट के आसपास जली होगी। सर, तो देखा गया, हमारे पास अपने आप ही प्रूफ है कि हमारा प्लांट नहीं चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि प्रशासन है, उनकी जैसी तो हमने जैसा भी नहीं। सर, अभी हमने अंदर जाके देखा है, आप जहाँ पर वो लेबर की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ और साइकिल खड़ी हैं, तो इसको क्या कहें कि आप मैं आपको अभी बताया कि हमारे यहाँ पे लेबर बाहर के यूपी बिहार के 15-1 लोग रहते हैं। अब क्योंकि वो यूपी बिहार से यहाँ पे आए हैं तो अपनी मोटरसाइकिल या साइकिल तो रखेंगे ही, ताकि उनको अगर शहर जाना हो, खाना पीना करना हो, तो रूटीन के लिए उनकी मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं, उनकी साइकिलें खड़ी रहती हैं।